स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स, धूम्रपान से कर्क रोग होता है, धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साहब क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी? क्या फालतू सवाल पूछ रहे हो तुम? एक पोस्टमैन से चिट्ठी है क्या करके नहीं पूछना बताया था ना तुम्हें, अगर चिट्ठी है तो वो पहुंचाना उसकी ड्यूटी है। अरे बस वैसे ही पूछा वो। अगर फालतू में पूछना है तो स्टेज खड़ा करके माइक लगा के जितना मर्जी पूछना है पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है, आज बहुत डिलीवरीज है। बिल्ली भैया आपके लिए चिट्ठी। अच्छा, अरे बाप रे बहुत ज्यादा गर्मी है, पीने के लिए एक ग्लास पानी मिल जाएगा क्या? सरसो देखो कमला सनन आया है, बाकी वो समझ जाएगी। अच्छा, रशिया में जो बोट रेस होने वाली है वहाँ हमारे कैमल भैया का स्नेक बोट को सिलेक्शन मिला है, आज दिल्ली से टेलीग्राम आया था। क्या बात है, मतलब कैमल रशिया को हिलाने वाला है। ये लो ठंडा छाछ है। अरे वाह। और क्या खबर है कमला सना? आज कुछ खास नहीं है, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, छाछ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। थोड़ी जल्दी है, आज 72 लेटर्स और डिलीवर करने हैं। एक ईमानदार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ तो हर जगह चिट्ठी टाइम पे पहुंचानी है ना। चलता हूँ। ठीक, मद्रास से है ना, अय्यपन कुट्टी की चिट्ठी होगी।
मेरे प्यारे जीतू, उम्मीद करता हूँ कि आप दीदी और मिनी खुश हैं। एक खुशखबरी बताने के लिए ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। कुट्टनाद में पुल बनाने के लिए भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक कृष्ण कुमार नाम का एक इंजीनियर अगले सोमवार को वहाँ पहुँचेगा हमारे मिनी के साथ शादी करने के लिए। से बात करेंगे तो अच्छा होगा। मिनी का फोटो देख के उसको बहुत पसंद आया। अगर ये शादी सच में हो गई तो ये हमारी किस्मत है और उसके लिए रहने का इंतजाम आप कर देना। एक और बात, उसने मद्रास में पढ़ाई की है तो वो थोड़ा फॉरवर्ड है। मिनी से कहना कि गवार कंट्री लड़कियों की तरह चुप होकर मत बैठना। ये शादी होने के लिए उसको लड़की का स्वभाव भी पसंद होना चाहिए। थोड़ा एक दूसरे को जानने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा बातचीत करने दीजिए। मुझे पता है कि सरसा अम्मा दीदी मुंह बनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों को एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने के लिए मौका देना ही पड़ेगा। किसी भी हाल में ये शादी करवाना जीजू आपके ऊपर है। आपका प्रिये 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 साला अभी। खुद को बच्ची समझती है। माँ चावल मिल गया लेकिन किरोसिन नहीं मिला। कुट्टू कहाँ गया तुम्हारा बाप? पिताजी बता जल्दी। पिताजी ने कहा कि वो लाइब्रेरी जाके अखबार पढ़ के आएंगे। वाह रे वाह, स्कूल के दरवाजे तक नहीं गया, वो क्या पढ़ने वाला है? तुझसे कहा था ना कहीं मत जाने देना, सीधे यहीं ले आना। सच बता कहाँ गया वो? मुझे मत मारो। कोई नहीं, मुझे पता है वो कहाँ है। जाओ बे, ये मेरे हाथ से मार खाएगा। अरे छोड़िए ना, मैं तुरंत आऊंगा, खेल आधा हुआ है। तो क्या हुआ? जो भी पैसा पिल्ले भैया से मिलता है तो ताश खेल के खत्म कर रहा है। अरे नहीं, शायद दुगना मिलेगा। घर आजा, मैं भी दुगना ही दूंगी। अरे आ चल, अब पता चलेगा इसे। कोटियों वाली बोट में तो नहीं दिख रहा, शायद चंपा एस्कुलम बोट में आएगा। वो मद्रास से आ रहा है, चंपा कुलम वाली बोट में कैसे आएगा? अच्छा? कोटियों बोट में आएगा ना। हाँ, वही तो मद्रास से आ रहा है तो चंपा एस्कुलम क्यों? हाँ देखो बोट आ रही है जी, 10 मिनट लेट है जी। अरे देर हुआ तो क्या हुआ, पहुंच गया ना। मैंने सोचा। क्या सोचा तूने? कि बोट में पानी भर गया होगा, इंजीनियर साहब नदी में पानी पी रहा होगा। अशुभ बातें मत बोला करो बेवकूफ। नहीं मैं बस सोच रहा था। सुनो सुनो सुनो, मिनी बेटी का होने वाला पति है वो, तू अपना मुंह खोल के बेकार की बातें करके गांव वालों की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाना। मैं आप जैसे लोगों से क्या बात करूं, दिमाग वाले लोगों से ही अच्छे से बात करूंगा। क्या बोलता तू? समझ में आ गया किसको दिमाग नहीं है। यहाँ के पंचायत प्रेसिडेंट बलराम पिल्लई। हाँ, वो मैं ही हूँ, मद्रास से आए हो ना? जी आइए 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 आइए। मेरा नाम कुमार है, भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी से। सब पता है। चिट्ठी तो मिल गई होगी। हाँ, ये अपन गुट्टी ने सब डिटेल चिट्ठी में लिख दी थी। ये मेरे घर का एक छोटू है, छोटू। हाँ। नाम है सहदेवन। सब कुछ सहता हूँ मैं। ये सूटकेस दीजिए, मैं ले आता हूँ। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। आइए आइए मेरे साथ। ठीक है, चलिए चलिए साहब, पानी में है। आइए आइए मेरे साथ, आइए आइए। Hey,
कैसा लगा आपको हमारा गांव? खूबसूरत। हमारे गांव की असली सुंदरता यही तो है। Far from the maddening crowds, ignoble strife. साहब, आपने कुछ कहा? मैंने कहा शहर के पागलपन से दूर। फिरंगी भी इस जगह आके दंग रह जाते हैं। ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव सीनरी, काश पुश कोना पल्लिकेशन। बस करो, वहां जाकर बैठो, कुछ काम होगा तो बुला लूंगा। यस मैडम। दो बात इंग्लिश में भी नहीं बोलने दे रहा है मुझे। नो स्टैंडर्ड। वहां जो देख रहे हैं ना 57 बीघा जमीन, वो मेरी है, जन्म से मेरी। उसके बगल में जो 3 एकड़ नारियल वाला बगीचा है ना, वो मेरी पत्नी का है। वो 24 बीघा मैंने अपनी बड़ी बेटी के नाम कर दिया। उसमें 5 सेंट रोड बनाने के लिए दीजिए। उसके बाद आने वाले 85 बीघा सरसा अम्मा के नाम पे है। वहां की 2.5 सेंट एस पारुकुट्टी का है। हाँ? पारुकुट्टी मेरी पत्नी। चुप रहो तुम, बीच में बकवास बात करते हो। अरबी प्लांट क्या है? हाँ देखो, रिवर बैंक पहुंच गए। हाँ वोट करो को, वोट करो को, सर फिसलना मत। इस घर में तुम्हारे रहने का इंतजाम किया है। जैसे ही पता चला कि तुम आ रहे हो, मैंने सारा घर ठीक करवा दिया है। यहाँ उतरो, आओ। हाँ बस बस, संभल के आना। आ जाओ, आ जाओ, संभल के आओ। हाँ ये सब मुझे प्रैक्टिस है। जहाँ भी इसको लेके जाता हूँ हमेशा मुंह के बल ही गिरता है। पानी है इसीलिए गिरे। छोड़िए, चलते हैं। अच्छा अब इसको घर के बारे में बताइए। हाँ, ये घर मेरी बड़ी बेटी के नाम कर दिया मैंने। तंकामणि नीलयम, तंकामणि नाम है उसका जी। वो मद्रास में है। इससे पहले एक बैंक मैनेजर यहाँ रहा करता था, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन लोन नहीं दिया करता था। तुम जैसे लोगों को लोन दिया तो बैंक बंद करना पड़ेगा, ऐसा बोलता था। बस करो। नया बैंक मैनेजर यहाँ रहने के लिए आने वाला था, तभी मुझे अय्यप्पन कुट्टी की चिट्ठी मिली तो मैंने सोचा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, बस इतनी सी बात है। परोपकार पुण्य है, पाप नहीं। मैंने ही सिखाया इसको। क्यों नहीं? अब दरवाजा खोलो। अरे चाबी पानी में गिर गई क्या? नहीं ऐसे थोड़ी जाएगा। वो सब टेबल के ऊपर रखो जी। ये है लिविंग रूम जी। वहां किचन है जी। वहां एक बाथरूम है जी। ये बेडरूम है। आगे नदी है ना, वहां नहाने में ही मजा है सर। आपको तैरना आता है जी? तो आसान है सर, एक पति पत्नी इसी में डूबकर मर गए। हर रात यहाँ पर कुछ रोना धोना, इस अंतरिक्ष में कुछ घुंघरू की आवाज भी आती रहती है। तुम सर को मत डराओ, थोड़ी डरेंगे ये। अरे सीमेंट और स्टील से लड़ाई करते क्या हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुनो कुमार, इस पूरे कुटानंद में इतने अच्छा घर तुम्हें नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ रहकर गया है ना, उसके साथ हमेशा अच्छा हुआ है। बिल्कुल सही कहा, मेरी पारू कुट्टू को भी आने के बाद ही। बस करो तुम, आज तुम्हारा केस है ना। अरे मैं तो भूल ही गया। अच्छा पिल्लई भैया बहुत सारे केसेस का मालिक है। तो चलो हम मिलते हैं। एक बात और, कुछ भी जरूरत हो बिना संकोच बोल देना। सुनो उसमें कोई भी शर्म वरम मत करना। तो मैं चलता हूँ जी। अरे मैं तो भूल ही गया, सारा सम्मा तुम्हें तुरंत ले आने को बोली थी। आपका शुक्रिया, आपने बहुत मदद की। आज सफर करके आए हो ना, आज रेस्ट करो, कल दोपहर लंच मेरे घर पे, ठीक है? भूलना मत जी। चलो जी। शादी की बात शुरू होते ही तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियां यही कहती हैं, अभी नहीं करनी माँ, अभी नहीं करनी पिताजी। क्यों? जब तुम्हारे पिताजी का रिश्ता आया तो मैंने भी ऐसा ही कहा था। फिर क्या हुआ? क्या हुआ होगा, मैंने शादी के लिए ना किया और 2 हफ्ते के अंदर मेरी शादी हो गई। जिंदगी ऐसी ही है माँ। कुछ और समय मुझे आप लोगों के साथ रहने दीजिए। एक इंजीनियर के साथ शादी करना कोई छोटी बात है? लड़का अच्छे खानदान से है, अय्यप्पन कुट्टी ने लिखा था तेरी किस्मत अच्छी है।
इंजीनियर है तो क्या हुआ, इंद्र भगवान है क्या? अब ये बचपना छोड़कर एक अच्छी हाउसवाइफ बनने की कोशिश करो। आपकी तरह है ना, वो भी बोल दीजिए। ये सब शादी तक ही है, समझी? अगर पति स्ट्रिक्ट हो तो फिर बचपना छोड़ना पड़ता है। देखिए पिताजी आ गए। बाप रे, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा जीरा पानी लेकर आओ। वो क्या है ना पिल्लई भैया, मैं घर जाके कपड़े बदल के वापस आऊं। कपड़े बदल कर तुम्हें लड़की देखने चलना है क्या? जी नहीं नहीं। ये घर आंगन तुम्हें साफ करना है जी, और वहाँ जो सामान रखा है ना उसको उठाकर हाँ। वहाँ से यहाँ डालना है, गाय को निलाना है, प्रभाकरण की दुकान से हाँ। अच्छी सब्जी भाजी लेकर यहाँ आना है, तालाब वाली मछली मिलेगी तो थोड़ा वो भी लेकर आना। जाओ। हाँ ठीक है, जाओ। और सुनो, वो नाव वाले से पूछ लेना और सारा सामान लेकर जल्दी आ जाओ। ये लो, कैसा है वो? अयपन कुट्टी ने जो चिट्ठी में लिखा है ना, पूरा का पूरा सच है। खानदानी लड़का है, हैंडसम है, मिनी के लिए बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, लगता है उसको हमारा गांव बहुत पसंद आया। इंजीनियर है फिर भी कोई घमंड नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये शादी जरूर होगी। ये सब माता रानी की कृपा है। पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट। जी कहिए। क्या कहूँ, पोस्ट कह रहे थे ना। तुम्हारे लिए कोई पोस्ट नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ अकेली होगी, नहीं तो मैं खुद एक चिट्ठी लिखकर ले आता। इस उम्र की लड़कियाँ या तो बाजार जाती हैं या फिर टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट, तो रास्ते में मिलकर बात कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर चैन से चार बातें नहीं कर सकते, इसलिए मेरा दिल तड़प रहा है, समझ रही हो? वो बदमाश है ना तुम्हारा बाप, उसकी वजह से यहाँ भी नहीं मिल सकते हम लोग। क्या है? आप बड़े हैं ना तो आपको क्या बुलाऊं, भैया, भाई, मामा? कोई नहीं, तुम मुझे ऐसे कुछ भी मत बुलाना। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा। चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी तो बहुत सारी है लेकिन यहाँ के लिए नहीं है, शायद गलत फहमी हो गई मुझे। अगर कोई चिट्ठी आई तो मैं यहाँ के दे दूंगा। ना 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 ना, ऐसे मत जाओ तुम। हाँ सुनो, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों घूमते फिरते रहते हो। इधर देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ कमला सनन, तुम्हारा कोई इरादा हम नहीं चलने देंगे, समझ रहे हो? अगर मेरे पिताजी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो मुझे सजा क्यों दे रहे हो? अरे तुम उसके बेटे हो ना, तुम मुझसे भी बड़े बदमाश हो। देखो देखो देखो, तुम अपने बाप जैसे दिख रहे हो। मुझे 35 चिट्ठियां और 2 मनी ऑर्डर देने, चलता हूँ। रुको 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 रुको, एक बात और, आगे से इस घर के लिए कोई चिट्ठी विट्ठी भी आए तो तुम्हें इधर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पोस्ट ऑफिस में आकर अपनी चिट्ठियां ले लिया करूंगा, समझे? सब ऐसे कहेंगे तो पोस्टमैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे जैसे नालायक को इस घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें सुनता हूँ तो बहुत दुख पहुँचता है मुझे। ऐसी बातें बोलने के लिए मुझे कोई दुख नहीं है। सुनो, चलो 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 चलो, नहीं तो इस पोदियन पिल्लई के हाथ से मार खाओगे तुम। टीएमटी में एक स्ट्रॉन्ग यूनियन मेंबर हूँ। चल चल। अबे मेंबर, हे चंद्रमती, ऐसे ही बैठी रहना, मेरी मदद मत करना, ससुराल में सास से गाली खाना तुम। दीदी आप कुछ मत बोलिए, मिनी बहुत अच्छे से सब्जी बनाती है, ये सब उसका स्टाइल है। ओहो, अरे देखो नारियल नीचे गिर रहा है। सिर्फ बीवी खाना बना सकती है, ऐसा कोई कानून है क्या? वही तो, पारुकुट्टी दीदी के लिए आप ही तो रोज खाना बनाते हैं ना। मिनी वो मजाक कर रही है दीदी। अब मस्ती मजाक बंद करो, लड़का आने वाला है। मैंने जो तुमसे कहा याद है ना, यही समझ लो कि शादी के लिए देखने आ रहा है वो तुम्हें, समझ गई? मिनी बेटा थोड़ा शर्मा के, सर झुका के, सज धज के धीरे से लड़के के पास जाना है। शर्मा हाँ। के सर झुका हाँ। के हाँ। सज धज के हाँ। जाना हाँ। क्या देखो तो इस बदतमीज लड़की को। अच्छा इंजीनियर लड़कों को सुंदर सुंदर लड़कियां मिलना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ये रिश्ता तो अयप्पन कुट्टी खुद ही करा रहा है। हाँ, मेरे मिनी बेटा में क्या कमी है बताइए, पढ़ाई क्या है,
सुंदर है, संस्कारी है, गुणों से भरी हुई एक अनोखी लड़की। क्या कर रही हो? मैंने नमक डाल दिया था। हे भगवान, मुझे नहीं पता था दीदी, सारा खराब कर दिया तुमने। देखिए दीदी, बाप रे। तुम ना कोई मदद ना करो वो ठीक है, मगर ऐसा मत करो। कोई बात नहीं दीदी, नमक ज्यादा हुआ है तो थोड़ा आटा घोल के सब्जी में डालना है। वनीता मैगजीन में लिखा था आटा नमक को काटता है। अरे नहीं, वो भी नमक ये है। भी नमक है। आटा कहाँ है दीदी? तुम कुछ भी मत करो। कहाँ है यहाँ से? आइए 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 आइए। मैंने सोचा कि पिल्ली भैया और परिवार को आप भूल गए, कब से इंतजार कर रहे हैं। आपको घर कैसा लगा? कोई परेशानी तो नहीं वहाँ? नहीं नहीं। अगर है भी तो साहब नहीं बताने वालों में से एक है। मैंने तुमसे पूछा। जी आइए आइए बैठिए। ये पूरी जगह एक एकड़ से थोड़ी सी कम है। नारियल, आम, कटहल सब है यहाँ। साहब बढ़िया फल भी देते हैं और नारियल का दाम बढ़ते वक्त बढ़िया होता है। आम के लिए भी केरल की ग्रीनरी। ऐसा कुछ नहीं है, बस इस घर में रहने के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। ये घर मिन्नी के नाम पे है। मेरा घर पूरा एस्कुटी के नाम। ये है मेरी पत्नी। नमस्कार। खाना बन गया है? हाँ चलो खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए। जी बैठिए। वो चावल देना, वो सांभर। मिनी कहाँ है? बेटी ये मेरी छोटी बेटी मिनी है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उम्मीद है कि इस बार डिस्टिंक्शन मिलेगा। कैसी बनी है? बहुत अच्छा है। मिनी ने बनाई ये सांबर, सब्जी, खिचड़ी सब उसी ने बनाया। अरे किसी के मदद के बिना खुद बनाया है सब। बहुत अच्छा बना है वाकई। लगता है सर को कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है। बेटी वो स्वीट डिश लेके आना। अरे बस बस थोड़ा और खाइए ना सर। मैं तो इससे चार गुना खाता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी देखकर आपको ऐसा लगता है क्या? शरीर अच्छा हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए। अरे मैं तो वही बोलने वाला था। पार कुटिया में, पार कुटिया में, पार कुटिया में कौन है? क्या हुआ? और कोई रास्ता नहीं है इसलिए यहां आना पड़ा। बात क्या है? तुम्हारा पति ताश खेलने के लिए मेरे से 50 रुपए उधार लिए। एक महीने से ज्यादा हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पैसा तो वो ले लिया ना, उससे मांग लो। लेकिन उसकी पत्नी तो तुम हो ना, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। ओहो ओहो ओ सुन, जल्दी से इधर आ। आना ही पड़ेगा क्या? हाँ, आना है। देख क्या सच बोल रहा है। उसने कुछ गलत नहीं कहा तो? घर से चोरी करने के अलावा आप घर वालों से उधारी भी ले रहे हो। नुकसान तो गांव वालों का ही है, मेरा थोड़ी ना है। तो तुम ऐसा सोचते हो, इसीलिए ये हालात हुए हैं। मेरा पैसा वापस कर दो, नहीं तो मैं दिखाता हूँ किसको नुकसान होगा। समझे समझे? क्या करोगे तुम?
ए, कुछ मत बोलना, ये बहुत खतरनाक है। इसका नाम है ईडीएम पीडीएम पिल्ला, पंचिंग पिल्ला, एक ही पंच में बीवी को मारा। तुम चुप रहो ना, ये किसी काम का नहीं है। अच्छा तो फिर मैं पैसे लेकर ही रहूंगा, पैसा लेने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये आदमी यहाँ बैठा है, कल ये घर के अंदर भी आ जाएगा। अरे आने दो, अब मेरे लिए एक मदद हो जाएगी। बकवास करोगे तुम? ऐसा लोगे? अरे छोड़ो, मत मारो, मर जाएगा वो। मुझे पैसे नहीं मिले तो वो भी चलेगा, पर इससे बुरा और क्या होगा इसके साथ। भगवान, मार डालोगे इसे तुम, नहीं चाहिए मुझे पैसे। इसीलिए लोग सही कहते हैं कि उधारी जब भी लो उससे लो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। ये सब मुझे ही लेके जाना है क्या? कोई देख लिया तो क्या सोचेंगे? अच्छा, अब तुम्हारी हिम्मत कहाँ चली गई? कुमार अयप्पन कुट्टी का बहुत करीबी दोस्त है, दूसरे राज्य से कोई आया है उसके लिए थोड़ा सा खाना ले जाने के लिए कोई क्या बोलेगा? फिर भी मैं अकेले। रास्ते में कुट्टू को साथ ले जाना। नमस्कार। हम दोनों का अभी तक परिचय नहीं हुआ। मेरा नाम कुट्टू है, सहदेवन भैया का बेटा है। अच्छा अच्छा, आइए ना। तो कुट्टू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। ये लीजिए, माँ आपके लिए भेजी है। आप गाते हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत। मेनी दीदी को गाना बहुत पसंद है। आप गाती हैं मिनी जी? बहुत अच्छा गाती है। अरे क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहा है? नहीं, उसको प्राइज भी मिला है। तो इसका मतलब आर्टिस्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल आपके जैसे। हम लोग निकलते हैं। ठीक है, आओ बाद में आएंगे सर। भैया भैया क्या है? भैया बाबूजी मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे, तुम्हारी उम्र ही कुछ ऐसी है, अगर कुछ हुआ तो गांव वालों की बेइज्जती है। कमलासन को भी इस तरफ आने के लिए बाबूजी ने सख्त मना कर दिया। उसके बदले में बताओ मुझे क्या करना है। एक मदद करेंगे आप? क्या मदद? ये चिट्ठी कमलासन को दे दीजिए। फिलहाल चिट्ठी लिख के बात करना चाहिए तुम्हें। आप कभी कभी इधर आइएगा ना। कैसे आऊं बताओ, तुम जानती हो ना मेरी घरवाली को। पारू कोटी दीदी? हाँ, जब वो डूबेगी तभी मैं बच पाऊंगा। चलता हूँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार। तू इधर तो आ। क्या गर्मी है कुट्टू, पॉकेट में क्या है? पॉकेट में? अरे कुछ नहीं। चुपचाप निकालो। क्या निकालना है? अरे छोड़ो ना, चुपचाप निकालो। क्या है ये? अरे अरे ये तो चंद्रा। तू चुप कर, चंद्रमणि ने मुझे दिया है। तेरा चंद्रमती सब देख लिया मैंने। मत पढ़ो। रेत जैसी मेरी जिंदगी में जैसे भगवान बन के आए। स्वीट हार्ट, चाहे कोई भी रोक ले, कुछ भी हो जाए, हमारा ये रिश्ता चलता ही रहेगा हमेशा। आपका ख्याल मेरे दिल में हमेशा रहता है।
और आपका ख्याल मेरी आत्मा में बारिश जैसा है। क्या मेरे प्राणेश्वर, सेंडिंग यू 1000 किसेस, हमेशा सिर्फ आपकी चंद्रमती। सुनो, मैं बेकसूर हूँ, मेरे दिल में सिर्फ आप ही हो। मैं मन से, कर्म से, वचन से, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं बेकसूर हूँ। जा साले, दूसरों की चिट्ठी कैसे खोली तूने, वो भी लव लेटर, गधे कहीं के? मैंने ना चिट्ठी खोला ना पढ़ा, ऐस पारू कुट्टी ने पढ़ा। अच्छा, मतलब वो भी पढ़ ली, पंचायत प्रेसिडेंट ने भी। एक काम करो, उस चिट्ठी की कुछ कॉपीज बनवा के गांव में घर घर में बांट दो, तुम लोगों को मजा आएगा। मैं भूल ना जाऊं इसलिए लिख कर लेकर आया हूं। चुप कर। क्या करूं इसका, वो छोड़ो, चिट्ठी में क्या लिखा था याद है तुम्हें? कुछ ऐसा ही लिखा था, ये देखो मैं बांध कर ले आया हूं। ये माई डियर स्वीट हार्ट, आप मेरे लिए भगवान हैं। चाहे कोई भी रोक ले, दुनिया में कुछ भी हो जाए, आत्मा आगे ही बढ़ती रहेगी। आपके ख्यालों ने मेरे दिल में आग लगा रखी है। आपको और आपके प्राणेश्वर को 1000 चुंबन। अरे क्या है ये, कुछ ऐसा ही लिखा था। तुम्हारी बीवी को क्या हक है चिट्ठी खोल के पढ़ने का? चलो पढ़ भी ली तो कम से कम मुझे लौटा तो देते। एविडेंस के साथ पकड़ा उसने मुझे। उसने पकड़ लिया और तुमने चिट्ठी उसे ही दे दी। एक आशिक की टेंशन तुझे समझ में नहीं आएगी, क्या मुसीबत है ये। क्रिसमस को ग्रीटिंग कार्ड देने जैसी हालत हो गई, हद हो गए। देखो, जब तक पारू कुट्टी मेरे साथ है, मेरा हाल भी यही है। चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। पहले तुम्हारी बीवी की डिलीवरी, उसके बाद चंद्रमती का रजिस्ट्रेशन। चलो, कब आए? कोई शक मत करो, दीदी पूरा गाना सुन ली। गाना बहुत अच्छा है, बहुत समय से छुपकर ध्यान से सुन रही थी। आई ना, लीजिए। आप हर रोज ये लाएंगी, आपको तकलीफ होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दीदी भी बिल्कुल आपके जैसे साहब। कल आप मेरे से मिनी दीदी के बारे में पूछे और आज मिनी दीदी पूछती है कि आप मेरे से क्या क्या बोले। इससे अच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे से ही पूछ लीजिए। साहब, आप मुझे ये बजाना सिखाएंगे? क्यों नहीं, काफी देर हो गया, चलते हैं। कल आओगे ना? कौन, मैं या आप दोनों? कोशिश करेंगे, है ना दीदी? आओ। ऐसा एक रिश्ता आना पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है। अयप्पन कुट्टी ने जो भी कहा पूरा का पूरा सही कहा। उसकी बातचीत से, उसके बर्ताव से, उसके स्वभाव से लगता खानदानी है। मुझे तो लगता है मिनी को बड़ा पसंद आया। पहले जब कुमार के घर जाने के लिए कहती थी तो मुंह बनाती थी, अब तो बस वहां जाने की रट लगाए रहती है। शर्म से लाल हो जाती है वो। बेटी भी तो तुम्हारी है। पर शादी से पहले बार बार उसके पास यूं जाना, लोग क्या कहेंगे? लोगों को इससे क्या लेना देना भाई, जो भी है रिश्ता तो तय हो ही गया ना, समझो, फिर क्या। मिनी के जन्मदिन पर कुमार को बुलाएं? जिसका जन्मदिन है उसको खुद बुलाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। भैया, भैया, आपने चिट्ठी नहीं दी? उससे अच्छा तो यही होता कि तुम मुझे मार ही डालती। क्या हो गया भैया? चिट्ठी में कहीं भी कमला हसन का नाम था क्या? सब गड़बड़ हो गया, सारी बातें बाद में बताऊंगा। जल्दी निकलो, पारू कुट्टी के आने का वक्त हो गया है। दीदी को आने दीजिए, क्या हो गया? अरे अरे, अभी यहाँ कोई नहीं है, तुम यहाँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पारू कुट्टी को शक कैसे है। शक? अभी तुम यहाँ से जाओ, बाद में बात करेंगे। मेरी आंख में कुछ चला गया। ओह, थोड़ा भूखी ना, बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जल्दी फूको ना भैया, तो प्लीज इसमें फूको, मुझसे सहा नहीं जा रहा। जल्दी करो भैया। उफ, उफ, ओह नो, क्या हो रहा है ये?
तुम निकलो, आज मैं जब गया। मैं घर पर नहीं होती हूँ तो यही तेरा काम होता है। आज तो तू गया। देखो ना उसे। हाँ मैंने देखा, चंदरमणि की आँख में कुछ पड़ गया था। तुम मेरी आँखों में धूल झोंकना चाहते हो ना, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तेरे भानुमती, चंद्रमती सब पता है मुझे। तेरा भानुमती, चंद्रमती सब पता है मुझे। तू इधर आ जा, सब ठीक करती हूँ मैं। आ इधर, बताती हूँ तुझे। मार दे मुझे। अरे बचाओ, चंद्रमुखी, भानुमती। साहब, हम जन्मदिन के लिए बुलाने आए हैं। किसका जन्मदिन? मीनी दीदी का, कल है। अच्छा, आई आई आई, फिर तो मैं जरूर आऊंगा। जन्मदिन में आप गाना गाओगे ना? नहीं नहीं, जन्मदिन जिसका है उसको गाना चाहिए। चुप क्यों हो तुम? शर्मा रही है। क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता। लंच के लिए आएंगे ना? अरे वाह, बात भी करती हो। सिर्फ आपके सामने ही इसका मुंह बंद रहता है। मेरी दीदी के अम्मा ने दीदी को कहा कि आपके सामने अच्छे से रहना। कुट्टू, वैसे मुझे प्यार से बात करने वाले अच्छे लगते हैं। चलती हूँ। ठीक है, कल मिलेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। इंजीनियर साहब ने जिंदगी में ऐसा उत्तपम तो नहीं देखा होगा। ये उत्तपम बनाना कहाँ से सीखा? एक बार होटल में खा के पैसा नहीं दिया तो होटल वालों ने मुझे किचन में काम दे दिया। 3 दिन पानी भरवाया, 2 दिन उत्तपम बनवाया और बाहर आते ही मैं उत्तपम का एक्सपर्ट बन गया। इसको भी पसंद है। अच्छा, तो ये बात अभी तक मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे बात करने का मौका कहाँ देती हो तुम? जब भी मुंह खोलो बकवास क्यों करते हो? बकवास? अच्छा बस करो, चुप करो तुम दोनों, यहाँ पर लड़ाई मत करो, जल्दी करो। एक्सपर्ट जी जल गया। बस पक गया है। ये लो थोड़ा खा के बताओ। होटल की किचन में काम करने से एक चीज सीख ली, एकदम फर्स्ट क्लास। मेरे हाथ का चमत्कार है, तुम मुझे वैल्यू नहीं देती हो ना, इस घर में थोड़ी इज्जत है मेरी। ये इतना तीखा क्या है? कोई पानी ला दो। मुझे तो चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो उल्टी आ रही है, पेट में गुलू गुलू हो रहा है, क्या करें? बाबूजी, क्या हुआ बेटा, क्या है? मोहम्मद भैया ने भेजा है, तब सोडा पाउडर नहीं डिटर्जेंट पाउडर भेजा था उसने। भगवान, लीजिए सोडा पाउडर। ये उसके बाप को देना, बोलो। ठीक है। ज्यादा उड़ रहे थे ना, मुझे पता था डिटर्जेंट मिलाया होगा आटा में। जल्दी पता चला तो अच्छा हुआ, नहीं तो इंजीनियर साहब को हॉस्पिटल जाना पड़ता। तेरी वजह से हो रहा है। बड़ा एक्सपर्ट बन रहे थे, बहुत अच्छा खाना बनाना आता है ना? ये लो। जन्मदिन मुबारक हो आपको। थैंक यू बोलिए। थैंक यू। वाह बढ़िया है, ये श्री कृष्णा है और ये वो है कृष्णा की राधा। लंच के समय आपका इंतजार किया था। वो बात ये थी कि आज साइट पे कुछ ज्यादा ही काम था। ये लीजिए, ये अच्छा पम, नया पम और वड़ा सब मिनी ने ही बनाए हैं।
शायद इसीलिए इतना टेस्टी बना है। कुमार, ये स्वीट डिश मिनी ने बनाई होगी। बस ऐसे ही पूछा। माँ आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि खाना बनाने में मिनी एक्सपर्ट है। बिल्कुल नहीं, अपनी माँ के जैसा नहीं बना सकती। सच बताऊँ तो इसके हाथ का खाना ही मेरे स्वास्थ्य का सीक्रेट है। क्या हुआ? क्या है ना, स्वीट डिश में चीनी डालने से पहले मैं अलग निकालती हूँ। ओ, मुझे थोड़ा शुगर है। वो देखो आ गया। ओए शूटिंग स्टार। क्या बोला तूने? शूटिंग स्टार, तू दिन भर पिल्ले भैया की बेटी के पीछे घूमता रहता है। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? जा बे। दोबारा ऐसे बुलाया क्या करेगा? तू मजाक उड़ाएगा मेरा? बुलाएगा? बोल, बुलाएगा मुझे दोबारा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। निकलो यहाँ से। भिंद्रा बदमाश, मेरे बेटे पर हाथ उठाओगे? हाँ, मेरे बेटे पर। अच्छा, हाँ चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। क्या हुआ तुम्हें? मैं देखता हूँ कौन आएगा तुम्हारे घर के लिए। अरे छोड़ मेरे बेटे को, मैंने किया। इडियन पोरियन पल्ल बच्चों को क्या तमीज से सिखाना चाहिए? बनेगा क्या? अबे हट जाओ तुम। क्या बोला तूने? तभी सुन लेना चाहिए था। हाँ क्यों नहीं, दिन भर तेरे पीछे कान लेकर घूमना चाहिए था मुझे। वहाँ है, वहाँ आकर बताऊंगा, समझे? हट जाओ दोनों, हटाओ। देखो तुम्हारा हो गया, अब इसे मैं संभालूंगा। छोड़ो उसको, थोड़ा रुको बेटा। हाँ तुम इसके बीच में मत आना, ये हम दोनों खत्म करेंगे। तेरा बेटा मेरे बेटे पर हाथ उठाएगा। आया बड़ा, छोड़ नहीं मती, मैं तुझे छोड़ नहीं। मेरे बेटे को मार, मेरे बेटे को मार, छोड़ नहीं मती, छोड़। था मारता मेरे बेटे पर हाथ उठाता, मैं तेरे को छोड़ नहीं, जान से मार दूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा। आप मेरी नाक कटवा दिए भाऊजी, घर आइए, माँ को बता के दो और दिलवाएंगे आपको। उसके बाद तो तुझे मेरी लाश ही मिलेगी, समझ गया ना बेटा? नाम और नक्षत्र बताओ। मिनी रेवती। हाँ। कुट्टू क्षेत्र। एक और अर्चना है। नाम और नक्षत्र? नाम कुमार है, नक्षत्र नक्षत्र नहीं जानते। नक्षत्र कार्तिका है। अरे रंग बिरंगे सपने, एस कुमार, ब्लोइंग विंड्स इन द पैडी फील्ड्स, हनी लाइक ब्यूटी। मिनी, सरसो, क्या है? इधर आओ। क्या हुआ? हमारा कुमार तो लिखता भी है। हमारा कुमार? हाँ। जरा दिखाओ तो। ये देखो उसकी कविता। अरे, बार पढ़नी तो दो मुझे। मुझे पढ़ने दीजिए माँ। अरे एक मिनट। अरे उसको दे दो ना, ये लो, तुम जाकर पढ़कर आराम से वापस लेकर आना। मैं पढ़कर उसी को देती ना। हाँ क्यों नहीं, इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगी। हाँ, हमें शादी के बारे में कल ही अय्यप्पन कुट्टी को चिट्ठी लिखनी है। कुट्टू कहाँ पे है? आज अभी तक उससे नहीं मिले, क्यों उसे बुलाऊं? अरे नहीं, बस यूं ही पूछा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? बस ऐसे ही। देखिए वो आ ही गया। हाँ।
आप सब कहाँ थे? मैं आपको बहुत ढूंढा दीदी। क्यों? मैं बताऊं? बताओ। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबके सामने मत बोलना कि कुट्टू ने बोला है। ऐसी क्या बात है, बोलो। मीनी दीदी को आपसे शादी कराने जा रहे हैं। दीदी के माँ बाप बोल रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही मैच हैं। आपके लिए एक चिट्ठी है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आपसे आकर मिलना है सर। आप कविता लिखते हैं ना? अरे बस ऐसे ही। ऐसे लिखते हैं या वैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, लिखते तो है ना, वही बात है। देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, असल में मैं भी एक कवि हूँ। ये देखिए मेरी कुछ कविताएं। मनुष्य के हृदय को दुख की माला में पिरोने वाला धागा है मेरी कविता। बुरा ना माने तो मेरी ये कविता पढ़ना चाहेंगे? रहने दीजिए, कविता तो लिखने वाला ही पढ़कर सुनाए। ठीक है, सुनाओ। वो रात आई और गई, साथ में अंधेरा भी, हजार नारियल लेकर चोर निकल गया। वो रात आई और चली गई, और उस रात में हजार नारियल लेकर चोर निकल गया। ये तो कोई फिल्मी गाने जैसा है। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं कॉपी नहीं करता। वो रात आई। हाँ, थोड़ा थोड़ा उस गाने जैसा है, मानता हूँ। लेकिन सर एक बात आपको समझनी होगी, शब्द किसी की रियासत नहीं होते। कवि को आजादी होती है कि वो जो चाहे शब्द इस्तेमाल करके कविता लिखे। ऐसी कोई भी चीज है क्या जो सिर्फ एक आदमी की होती हो? है सर, फूल किसी के होते हैं क्या? हाथी का दांत किसी का होता है? और छोड़िए, ये सारी चिट्ठियां किसी की होती हैं क्या? मुझे जरा जल्दी है, मैं चलता हूँ। फिर मिलेंगे, ठीक है? मैं भी कविता लेकर साथ चलूं? जरूरी है। जैसा आप बोले सर, आप चाहेंगे तो ये किसी मैगजीन में छप जाएगी। वो मैं करवा दूंगा। हाँ तो भी ठीक है, मुझे 47 चिट्ठियां देनी है आज, 2 रजिस्टर्ड लेटर भी हैं। काम तो सिर्फ चिट्ठी बांटना है, कविता लिखना तो बस एक हॉबी है सर। चलता हूँ सर। मद्रास से है अय्यप्पन कुट्टी की चिट्ठी होगी। क्या बात है, क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अय्यप्पन कुट्टी ने जिस इंजीनियर के बारे में लिखा था वो अगले सोमवार को आएगा। क्या? तो फिर जो यहाँ पर है वो कौन है? एक जरूरी काम के लिए कृष्ण कुमार बॉम्बे गया है। अभी तक कुमार नाम के एक ओवरसीयर ने वहां चार्ज लिया होगा। हे भगवान, तो फिर जो यहाँ है वो ओवरसीयर है? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। सुनिए, मिनी उसी के पास गई है, आप जाकर मिनी को ले आइए। और सुनिए, कुमार को ये बात कभी मत बताइएगा, मिनी से भी कुछ मत कहिएगा, मैं उसे आराम से समझा दूंगी। अब जाओ। जाओ, तुम्हें मां ढूंढ रही है। आइए ना, अंदर आइए। बैठने के लिए समय नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम है, आओ। बाय।
क्या है माँ? अरे अपन कुट्टी की चिट्ठी आई थी, जिस इंजीनियर का उसने जिक्र किया था वो अगले हफ्ते आएगा। हमसे गलती हो गई बेटी। कुमार सिर्फ ओवरसियर है बेटी, अयप्पन कुट्टी वाला इंजीनियर नहीं। कुमार तो बस एक ओवरसियर है, जो भी ऊपर वाला करता है हमारे भले के लिए करता है, इसलिए तुम कुमार से मिलने मत जाना आगे से। माँ ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे पिताजी को दुख पहुंचे। तुम्हारी जिंदगी ही हमारे लिए सब कुछ है बेटी। जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चिट्ठी आई है कि आज हमारे इंजीनियर आने वाले हैं, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। वो देखिए वो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ये है बलराम पिल्लई सर, यहाँ के पंचायत प्रेसिडेंट। नमस्कार। नमस्कार। इन्हीं के घर में हमारी रहने की व्यवस्था की गई है, तो आइए चलते हैं। नहीं वो मिस्टर कुमार, इनके ब्रदर इन लॉ मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। छोटी नाव में लाया हूँ, वहाँ चलते हैं। ठीक है चले। जी सर, इस तरफ की सारी जमीन पिल्लई सर की है। ये खानदानी जमीन है या खरीदी है? दोनों है, ज्यादातर मैंने खरीदी है। वेरी गुड। तो उस तरफ काबुन थारा परिवार के पश्चिम में मैंने 75 बीघा जमीन खरीदी। खरीदने के बाद मुझे पता चला कि उस जमीन के ऊपर केस चल रहा है। फिर क्या हुआ? मैंने नहीं छोड़ा, 5 साल केस लड़ने के बाद मैंने केस जीत लिया। बहुत बढ़िया, मैं भी इसी प्रिंसिपल में बिलीव करता हूँ। जिंदगी में मैंने जो भी चाहा वो पा लिया, और इस मामले में मैं कोई समझौता नहीं करता हूँ। रास्ते में कोई भी आए मैं मंजिल पा ही लेता हूँ। हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं ना? नहीं, पहले एक बार मेरे घर चलिए ना। अरे वो फिर कभी आ जाएंगे। पास में ही घर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं, एक बार चलिए ना, एक बार मिल लीजिए। ठीक है। यह है कृष्ण कुमार, जिनके बारे में अय्यप्पन कुट्टी ने बताया था। नमस्कार। ठीक है आइए। आइए बैठिए। आप जरा मेरे साथ आइए अंदर। कुमार बैठो। जी आप कुमार को साथ में क्यों लेकर आ गए? अब आ गए हैं तो मैं क्या बोलूं? कोई बहाना बनाकर भेज देते। वो सब छोड़ो, मिनी को बोलो मेहमानों के लिए चाय लेकर आए। क्या मुसीबत है, क्या कर सकते हैं। ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे ये घर पसंद आया। मेरे बड़े मामा के समय में बनाया हुआ घर है। ये है मेरी छोटी बेटी मिनी। क्या करती हो? अपने डिग्री के रिजल्ट का वेट कर रही है। इसको डिस्टिंक्शन मिलेगी, ऐसा इसके टीचर ने कहा था। पढ़ने में बहुत अच्छी है। वेरी गुड। तो कुमार चलते हैं। लंच करके जाइए ना। मिनी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ओ नहीं, अगली बार खाएंगे। अगली बार नहीं, बहुत जल्दी।
मैं एक दिन लेके आऊंगा आपको। जब भी फ्री हो इधर आइएगा जरूर। अच्छा ठीक है, चलते हैं। सर सीमेंट खत्म होने वाला है। फ्रेश ऑर्डर प्लेस किए एक हफ्ता हो गया ना, एक रिमाइंडर भेज देना। ठीक है सर, वैसे कल यूनियन से कुछ याद था। क्या बोला वो? उन्होंने बोला कि हमारी टर्म्स उनके लिए सही नहीं है। यूनियन लीडर से एक बार और बात करते हैं। सर 17th को उनके साथ एक डिस्कशन रखा। ठीक है जी सर। लो आ रही है मेरी बदकिस्मती। अरे यार फिर से आ गई तुम। क्या हुआ भैया? उस दिन सब कुछ बिगाड़ दिया तुमने, मैं अभी भी भुगत रहा हूँ। पारू कुट्टी ने वो सब भूलना शुरू कर दिया है। तुम दूसरी जगह जाकर रोना धोना या जो भी करना है करो। कितने डरपोक हो आप भैया। क्या करें, जिंदा रहना है ना लड़की। हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बात मान लो लड़की। अरे आज मैं गया, अरे मेरी माँ वो आ रही है, क्या मैं डूब जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? आप पानी में डूब जाओ भैया, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं भेजती हूँ घर। सुन, आज तुझे इस नदी में डुबा दूंगी मैं, देख लेना तू। तुझे क्या लगता है मैंने कुछ देखा नहीं है? मैंने सब देख लिया है। पर दीदी आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मैंने तुझे देखा नहीं, बन रही कितने दिनों से नहीं मिली। तो घर आ जा, तुझे देख लूंगी मैं। समझ रही हो? सही समझ रही हूँ मैं। कहाँ है? नाक में दम कर रखा है। मेरा यकीन करो। हा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम घर आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं। मैं नहीं आऊंगा, मेरे छोटे दिल में सिर्फ आपका बड़ा रूप है। मैं आपसे ही केवल मुझे प्यार सब करता पता है। मेरा यकीन करो, मुझसे नहीं होगा। मेरी बात मान ले बेटे, तुम्हारे पिताजी ने कृष्ण कुमार से बोला कि खाना पहुंचा देंगे, सिर्फ आज के दिन के लिए चली जा, आइंदा से नहीं भेजूंगी। ले कुट्टू को भी लेती जाना। सुनो, मैंने मिनी को तो उसके पास भेज दिया, मगर डरती हूँ कि कहीं ओवरसीर न मिल जाए उसे। तो चिंता मत करो, वो वहाँ नहीं है। आते वक्त मैंने उसको साइट की तरफ जाते हुए देखा। साहब, आइए बैठिए। चलती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आई थी तुम। आपको फ्लूट बजाना आता है? फ्लूट बजाना? मेरा इन सब चीजों से कोई रिश्ता नहीं। मिनी तुम गाती हो ना? अरे नहीं, किसने कहा? तुम्हारे पिताजी ने। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन गाना सुनना बहुत पसंद है। माँ ढूंढ रही होगी, चलती हूँ। बंगाल में मैंने ऐसी जगह काम किया था, ऐसा ही शांत एटमॉस्फेयर, लेकिन लाइफ यहां से ज्यादा अच्छी थी। ला 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 ला।
कहाँ खो गई तुम? कुट्टू चलो, बाद में आएंगे। तुम मुंह क्या देख रहे हो? पियो शायद देवन। थोड़ा पीने का मन कर रहा है, लेकिन मेरी घर वाली मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी। कौन? तेरी बीवी? हाँ। इस गांव के लोगों को तेरे हालात के बारे में सब पता है, लेकिन निकारगुआ में क्या हुआ? इथोपिया में क्या हो रहा है? युगांडा में क्या हुआ था? क्या हुआ था? पता नहीं। मुझे भी नहीं पता। दुनिया के हर कोने कोने में कुछ तो हो रहा है, सबके बारे में हमें पता नहीं है। बेरूत में, इराक में, ईरान में, साउथ अफ्रीका में, इंसान इंसान को उत्पीड़ित करके रखा है। ये सारी जगह पारुकुट्टी है क्या? नहीं, पारुकुट्टी से भी बड़े बड़े पारुकुट्टन है। भगवान, उत्पीड़न के खिलाफ वहां की जनता में विस्फोट हो रहा है। तुम भी विस्फोट हो जाओ, विस्फोट हो जाओ। करूंगा, चाहे विस्फोट क्यों ना हो जाए। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मर्दों के साथ खेलने के लिए औरत बड़ी नहीं हुई है। इस देश में मर्दों के साथ खेलने के लिए बड़ी नहीं हुई है औरत। मैं उत्पीड़ित मर्दों का प्रतिनिधि हूँ, समझी? मैं उत्पीड़न के खिलाफ तलवार लेकर युद्ध करने वाला शासक हूँ, समझी? धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। आपने कहा कि उन देशों में भी विस्फोट हुआ है, और आज वो इस कुट्टम में भी संभव होगा। कल का सूरज लाल होगा, मेरा कामरेड। मेरा लाल सलाम। पारो, उसकी गेट क्या है? तू आज तो तू गई। पारो, पारो, ए पारो, अबे दरवाजा खोल। आई है बड़ी, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अबे राक्षसनी, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वापस चली गई, बच गया मैं। अबे कमला हसन, तूने मेरे पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर दिया, समाजद्रोही। साइड से सीधे इधर लेकर आया। आज भी बोला था कल आएंगे, मैं नहीं माना, साथ में लेकर आया। यहाँ आने के लिए अलग से बोलने की जरूरत नहीं, मैं पराया थोड़ी हूँ। फिर भी बस काम थोड़ा ज्यादा चल रहा है। अब इंजीनियर का काम तो ऐसे ही होता है। अब मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? आइए चाय पीकर बात करते हैं। आइए। जब मिनी को पता चला कि तुम आ रहे हो, वो इतनी खुश हुई कि क्या बताओ। सुबह 6 बजे से किचन में है वो, और अभी तक बाहर नहीं निकली। आइए। ये सारी स्वीट्स मिनी ने खुद ही बनाई है।
कैसी लगी? बहुत अच्छा है। चाय? ये चाय भी मिनी की बनाई हुई है। स्ट्रांग चाय है, मीठा भी सही है, एकदम अच्छी चाय बनाई। मिनी और मेरा टेस्ट मैच करता है। सुनो, पारकुट्टी नहीं है। अच्छा सुनो, फिर से एक बार मेरी मदद कर दोगे क्या? इंसान को चैन से जीने नहीं दोगे तुम? क्या है ना, दुनिया के सारे आशिकों को कभी ना कभी किसी अग्नि परीक्षा का सामना करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं भूला हूँ मैं, इस अग्नि परीक्षा में मुझे क्यों डाल रहे हो? उस दिन का तुम्हारा विस्फोट, युगांडा, कुछ नहीं भूला हूँ मैं। ये मामला बहुत सीरियस है। जब मेरे पिताजी पुलिस में थे ना, तब चंद्रमती के पिताजी को उन्होंने लॉकअप में खूब मारा, अब इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है। पुलिस है तो मारेगा, चुम्मा थोड़े ही देगा। सवाल तो बिल्कुल जायज है। वैसे भी पुलिस डिपार्टमेंट की गलती के लिए पीएनटी डिपार्टमेंट को क्यों दोष देना? इसका मतलब मैं निर्दोष हूँ। जो भी है, पोडियम पिल्लई की अनुमति के साथ ये शादी कभी नहीं होगी। सहदेवन, तुम बस एक बार और मेरे साथ खड़े हो जाओ, बाकी का सारा प्लान मैं खुद बना लूंगा। चिट्ठी देने का प्लान है तो मैं नहीं करूंगा, समझे? चिट्ठी देने का ही प्लान है, हा? लेकिन ये थोड़ी सी अलग चिट्ठी है, ये थोड़ी नए तरीके की चिट्ठी है, हैं? ये पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो ना। बाकी का प्लान मैं बताता हूँ, आ जाओ। सारा प्लान खराब हो गया। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? देखो बाऊजी आ रहे हैं, बाऊजी आ रहे हैं। ये लो कमल हसन ने भेजा है। रुको 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 रुको, चिट्ठी मुझे दो चिट्ठी मुझे दो। तुम रुको रुको रुको, तुम ये काम कब से शुरू कर दिया तुमने? मुझे राशन लेने जाना है। ये को, राशन तो बाद में लेंगे। वो पुलिसमैन के बच्चे पोस्टमैन ने क्या लिखा है मुझे जरा पढ़ रहे हैं तो दो एक बार देखूं तो सही। चंद्रमती की जानकारी के लिए तुमने जो चिट्ठी भेजी वो मुझे मिल गई। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। 2 महीने से प्रेग्नेंट हो? क्या सोचा तुम्हारे पिताजी ने? एक बार तुम ध्यान से सुन लो, अभी तुमसे शादी करने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। कमला सन, हे भगवान, धोखा हो गया सहदेवन, अब हम क्या करें? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, चाट कर दिया, छोड़ूंगा नहीं। पोडियम पिल्लई, ये चिट्ठी इसके खिलाफ से एक सबूत है, उसकी खुद की हैंडराइटिंग में लिखी हुई है चिट्ठी, उसको जेल भिजवा देंगे। क्या हो रहा है यहाँ? 2 महीने हो गए इसका। ओहो, वेरी गुड। इसको तो मैं जान से मार डालूंगा। कमला सन, अब जो हुआ सो हुआ, गांव वालों को पता चलने से पहले तुम इससे शादी कर लो। मुश्किल है, इतने समय से मैं तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ था, अब मैं उसके खिलाफ हूँ। कमला सन, मेरे बेटे, मेरी बेइज्जती मत कराओ। मामला मत बिगाड़ना, इससे तुम्हें शादी करना ही होगा। अभी तो नहीं हो पाएगा, तुम एक सरकारी अफसर हो। तो क्या हुआ? तुम स्ट्रॉन्ग यूनियन में एक मेंबर हो। वो तो मैं हूँ। पिल्लई कोर्ट जाएगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, इससे शादी कर लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे शादी करो, इससे तुम्हें शादी करनी होगी। मेरे स्ट्रॉन्ग यूनियन के लिए मैं शादी करूंगा। पिल्लई, मिनी यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? ऐसे ही। मुझे लगता है तुम मेरे साथ बहुत शर्मा कर बात कर रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारी फोटो मैंने पहली बार देखी थी, मैंने सब तय कर दिया था। मद्रास से यहाँ तक के सफर में मेरे मन में सिर्फ तुम्हारे सपने थे, जो मैं सालों से ढूंढ रहा था
वो पाने की एक खुशी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सपनों की तरह असल में भी तुम बहुत खूबसूरत हो। जब एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि तुम्हें एक लड़की पसंद आएगी और तुम उससे शादी करोगे तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर अब हो गया। लगता है सपने भी सच हो जाया करते हैं। मां ढूंढ रही होगी, चलती हूं। क्या है? वो दो तीन दिन हुए मिनी घर पे नहीं आई। अच्छा हुआ कि तुम आ ही गए, आओ। तुम बुरा मत मानो, इस घर में एक कुंवारी लड़की रहती है। तुम्हारे जैसे नौजवान लड़के अगर हर वक्त यहां आते जाते रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? मैंने सोचा कि तुम खुद समझ जाओगे, खुल के बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं समझ गया। इसलिए अब कभी इधर मत आना, कुछ भी जरूरत हो तो मैं वहां आकर तुमसे मिल लूंगा। जाओ। क्या हुआ कुमार, बहुत परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं सर। जरा मेरे कमरे से प्लान फाइल लेकर आओ। जी। ये भगवान और किस्मत सब कुछ एक तरह का एस्केपिज्म है, यही सोचता था मैं। अब लगता है मैं गलत था, मैं तो अपनी बात बता रहा था। मद्रास से यहां पोस्टिंग होगी, यहां मेरी शादी तय हो जाएगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मिनी बहुत अच्छी लड़की है, मेरे लिए आइडियल मैच। क्या कहते हो कुमार? जी सर। कुमार। जी कुमार, मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, मिनी के भविष्य के वास्ते। शादी विवाह के फैसले एकदम से नहीं लिए जाते हैं, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, इसलिए मैं
मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, मुझसे नाराज मत होना कुमार, मुझे माफ कर देना। मिनी के अच्छे भविष्य के बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मेरे बारे में जानती हो, मैं अकेला हूं, गरीब हूं, मुझे सपने देखने का हक नहीं है। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी चल बसे एक लॉरी एक्सीडेंट में। अब बस मैं और मेरी मां है। दुख और गरीबी की दुनिया में बस हम दोनों ही थे। मेरे मन में भविष्य के बारे में आशाएं थीं। माँ ने संगीत सीखा हुआ था, पड़ोस के बच्चों को संगीत सिखाकर मुझे बड़ा किया, उन्होंने ही सब कुछ किया। मेरी पढ़ाई वाला समय तो और भी ज्यादा मुश्किल था, न खाना था न फीस के लिए पैसे थे। और जब मैं आईटीआई सर्टिफिकेट लेके गांव वापस गया तब तक माँ गुजर चुकी थी। और उसके बाद नौकरी ढूंढने की तलाश करता रहा और वही सफर मुझे भरत कंस्ट्रक्शन कंपनी ले आया। कृष्ण कुमार सर ने मुझे एक जिंदगी दी है और ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यहां जो मैंने दिन बिताए उनकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। मिनी तुम्हें सर, साइट में हमारा काम 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। यूनिट को फ्राइडे को शिफ्ट करने को बोलो। क्या काम खत्म होने के बाद मुझे कुछ दिनों की लीव मिलेगी सर? क्या बात है? सर, मेरे मामा की तबीयत बहुत खराब है। तुम परसों मेरा एंगेजमेंट खत्म करके नहीं जा सकते? नहीं सर, कंडीशन बहुत सीरियस है। मैंने सोचा तुम रहोगे। ये तो एंगेजमेंट है ना सर, लेकिन शादी की सारी जिम्मेदारियां मैं उठा लूंगा, ये वादा करता हूं आपसे। तो ठीक है, जैसा सही लगे। जा रहे हो साहब? अब मैं वापस जा रहा हूँ कुट्टू। कहाँ? मद्रास। जाके कब वापस आएंगे? अब शायद। कुट्टू, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत बड़े आदमी बनना। ये तुम्हारे लिए है कुट्टू। मेरी बोर्ड 6 बजे की है। जाने की बात आप मेरी दीदी को बताइए। ये तुम्हें बता देना कुट्टू। जब मैंने पूछा कब वापस आओगे, सब कुछ नहीं बोला, आंखों में आंसू था। ये फ्लूट मुझे दिया, उसको जाते हुए देख के मुझे भी रोना आ गया। साहब अच्छा आदमी था, वो नहीं जाना चाहिए, है ना दीदी?
उनको आप रोक सकते थे ना, बोल सकते थे ना। 6 बजे के बोट में वो चले जाएंगे। तुम आओ कुट्टू, शादी के बाद वो उसे मद्रास ले जाएगा अपने साथ। कहाँ जा रही हो बेटी? मैं बोट जेटी तक जाके आती हूँ। किस बात का डर है तुम्हें? आओ। बोट निकल गया। दीदी एक काम करते हैं, दूसरे जेटी चलते हैं। इसमें मिनी की गलती नहीं है, उस लड़की पर बंदिश है। लेकिन तुम तो मुझे बोल सकते थे। नहीं सर, मैंने सोचा कम से कम प्यार के मामले में बाद में सॉरी नहीं बोलना चाहिए। एक छोटी सी गलती से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं कुमार। प्यार करने के लिए दिल ही नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है। तुम्हें लगा मैं बस एक इंजीनियर हूं जिसे बस प्लान बनाना आता है, है ना? और नौकरी देना तो बस एक एहसान है, इस सब का कोई फायदा नहीं। तुम मेरे मन को समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं। सर, कौन किसके साथ जिएगा ये सब पहले से तय है, सब किस्मत का खेल है। तुम मेरे जैसे नहीं हो, किस्मत वाले हो। मैं त्याग नहीं कर रहा हूं, बस एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। प्यार नहीं मिल पाया, थोड़ा अनलकी, लीव इट। मैंने पिल्ले सर को सब बता दिया। पहले तो वो नहीं माने, पर फिर मैंने समझाया। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you.